हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिल्मी रिएक्शन में। तो कैसे आप सब, उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ आप लोगों की दुआ से। तो दोस्तों, आज जिस वीडियो का मैं रिएक्शन लेके आई हूँ वो है पवन सिंह का स्टेज शो, और इस स्टेज शो का नाम है पवन सिंह अपने गाँव में होली मिलन समारोह में जमकर विरोधियों पर गरजे। तो जी देखते हैं कैसे गरजे, क्या उन्होंने कहा। चलिए हम स्टेज शो देखते हैं, एंजॉय करेंगे, इसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। करेंगे कहा नारा जिला इतना ध्यान रखिया जा। कल तक पवन सिंह सिर्फ गाना गाता था, आज हीरो हो गया है। और मंच पर जितने लोग हैं कृपया वीडियो ना करें, कौन इसे बात है मयूरा, चुप रहो। मंच पर लोग वीडियो को ले मना कर रहा हूँ। ठीक है, रुक जाओ, हम खुद देखते हैं। इसके बाद गार्जियन के आशीर्वाद से आदमी सामाजिक जीवन जी रहा है। क्या मोबाइल की लाइटें, जियो मेरे भाई, लव यू, लव यू। विश्व के किसी भी कोने में पवन सिंह जाता, दुनिया के कोने कोने में पवनवा जाला, और मंच पे जब चढ़ता है और भाई हमारे जब गरज देते हैं तो मेरा भी मन करता है। क्या बात है, क्या बात है, अनमोल है, इसका कोई कीमत नहीं। अरे क्या बात है भाई, अभी लवंग लावा लोग हो हमारे गला बैठल छ। किसी के पास अगर लौंग हो तो ला दीजिए, मेरा गला एकदम बैठा है। हमारे गांव और भाई जो हमारी एनर्जी में है, लव यू जियो। सबसे पहले स्वर के दाता विद्या दायनी माई सरस्वती है, एक माई के मंगला बा। एक बात आप लोग के जवान इच्छा हो वही गीत कौन गाएगा। सरदा भवानी राखा सभा जमीन पे खड़ा हुआ बैठा लेकिन कितना निश्चित एक भाई जो बैठा है वहां पे देख लीजिए,
ना उसके पास कोई है, ना कोई दाएं है, ना कोई आगे है, ना पीछे है। जियो बेटा, पानी भेजो आप, पानी पियोगे, खाना हो गया। देखिए हम चलिया मत आ जा, हे बाबू हे धनतेरा लखन जी प्रणाम। देखिए कपार हाल लिया मत गिर जा, आराम से बैठ जा। वाह वाह भक्ति भाव बाबा अपने माई की पूजा करके वो लड़का गाना प्रसन्न कर ले। एक बार सर को इतनी हाथ उठावा जा हो तब ना भजन गाई पौनवा भाई तो ही चाही चलाई से हो गई तुम्हें चाही चलाई से हो गई तुम्हें चाही चलाई से हो गई सामने जितना मोबाइल जला था ना सब ओके कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मंच पे किसी का मोबाइल मुझे दिखना नहीं चाहिए। थोड़ा कृष्णा जी प्यास जी का थोड़ा थोड़ा भूकंप करिए, नहीं सुनाई दे रहा है। ये क्या सेटिंग की हो, कौन सा माइक लगाया है? इसे लगा था तुम्हारे बरियात लगा था गाना गाओ तेरे समाई भाई। सब ओके अजीब सा लग रहा है कौन सा सेटिंग की हो। आई डोंट नीड आराम से आराम से आराम।
अरे भैया लाठी मत चलाओ जा सज धज के चली बिटिया सज धज के चली बिटिया तो जी बहुत अच्छा स्टेज शो था, गाना बहुत अच्छा गाया पवन सिंह ने, स्टार्टिंग भजन से करी है, लेकिन वो बहुत गुस्से में थे क्योंकि उनके माइक की सेटिंग भी नहीं थी और जो वहाँ पे बैठे हुए थे वो फ़ोन यूज़ कर रहे थे, तो बहुत डिस्टर्बिंग हो जाता है और बंदा बहुत एग्रेसिव हो जाता है कि यार मैं यहाँ पे परफॉर्म कर रहा हूँ, क्या पता बंदा थक रहा हो या फिर कैसे इमोशंस हों उनके उस टाइम पर, और फिर वहाँ से अगर कुछ गलती हो जाती है तो बहुत बुरा लगता है और बहुत गुस्सा भी आता है। तो पवन सिंह को यही था कि भाई कैसी सेटिंग करिए, बंदा गाना गाने आए हैं और गाना ही ढंग से ना गा पाए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, मेरी नींद नहीं पूरी हो रही दोस्तों, खैर सॉरी। तो इसलिए वो थोड़ा एग्रेसिव से हो रहे थे, हल्का फुल्का सा गुस्सा, उन्होंने इतना भी कुछ बवाल नहीं करा था। तो मुझे वैसे स्टेज शो अच्छा लगा, आप लोग कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे करती हूँ, कहते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टाटा बाय बाय।